चाहते हैं, दैट इज बोलो हैप्पी थैंक्सगिविंग। वेल, मेरा मसाज का नाम है हैप्पी थैंक्सगिविंग। Hi friends, welcome back. तो आज Thanksgiving है, तो happy Thanksgiving to all of you. Thanks for being a part of this beautiful virtual family. Thank you all for loving my family so much. And मुझे इतना सारा, मैं मुझे नहीं बोलूँगी, मेरे परिवार को इतना सारा प्यार देने के लिए. So I am very thankful कि आप लोग सब मेरे इस family का part हैं, जिस family का नाम है Simple Living Wise Thinking. तो वेलकम टू माई हाउस। तो कल मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन कर लिया था क्योंकि आज थैंक्सगिविंग है, तो सीध का फर्स्ट थैंक्सगिविंग है। एंड कैसा हो कि थैंक्सगिविंग हम लोग सेलिब्रेट ना करें, तो फर्स्ट अभी मैं क्या करूँगी, पहले मैं आप सबको टाइम दिखाऊँगी। एंड सी, हम लोगों ने ये सब लाइक सीध का यहाँ पे वो बेसिनेट रहता था ना, हाँ, वो सब हम लोगों ने फोल्ड करके रख दिया। एक्चुअली दैट बेसिनेट इज़ सो गुड ना, वो ग्रेको का जो है वो लाइक ट्रैवल फ्रेंडली, आप कहीं पे भी ट्रैवल पे जाना यू कैन टेक इट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेन पूजा होगा ना। एंड जैसे मैं बोल रही थी, जैसे मैंने सीत के यू नो षष्ठी पूजा में भी दिखाया था कि यज्ञ जो है ना वो लोग फायर प्लेस के लाइक फायर प्लेस पर ही करेंगे बिकॉज इट इज़ सेफ। तो नाउ द टाइम इज़ 9:30 एंड क्योंकि तो दो चांदी के बर्तन निकाल लिया है, ये दुपट्टा चाहिए, ये घर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो जो जो चाहिए। आई कैन होप कि मैंने सब कुछ निकाल लिया है ताकि मुझे ऊपर आना ना पड़े। ये सेंटर टेबल इतना अच्छा है, द बेस्ट थिंग इज कि ये सेंटर टेबल के ना लाइक नीचे में व्हील्स है तो आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। स्पेशली द स्टोरेज इट हैज़, तो बहुत जन आप लोग मुझे बोल भी रहे थे कि पायल ये सेंटर टेबल को लिविंग रूम में लेके जाओ, विच इज़ अ नाइस आइडिया, पर देखते हैं फ्यूचर में क्या करेंगे। सो फाइनली ये रूम का काम ख़त्म। एंड कल मैरी आई थी ना, तो अच्छा हुआ मैंने उसको एक्चुअली बोला था कल आने के लिए क्योंकि आज तो कोई भी नहीं आएगा, तो शी हैज़ क्लीन एवरीथिंग। एंड यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे एक ही फ्रेम पे, रैक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है रैक्स, वहाँ पे है राय, एंड वहाँ पे है सिंजू बिंजू। She is hungry. चलो, because you didn't have your dinner yesterday. तो क्योंकि सुबह उठ के मैंने नहा लिया है तो मुझे लगा कि चलो मैं ब्रेकफास्ट नहीं तो खाना बनाने से पहले जो पूजा रिलेटेड काम है ना वो सब खत्म कर लेती हूँ एंड उसके बाद ही बैठ के मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगी। एंड यहाँ पे थोड़ा मस्ती टाइम चल रहा है। थैंक्सगिविंग के लिए यहाँ पे ये मैंने कल ही मैरिनेट करके रख दिया था। एंड कल ना मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया बिकॉज यू नो वीडियो एनाल करते हैं तो जो भी हो इट्स अ जॉब राइट, तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो ये जैसे यू नो इट्स लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ तंदूरी चिकन एंड ऑफ मलाई टिक्का, दोनों मिला के बोल सकते हैं। लाइक फुल चिकन है जो लाइक हाफ मैंने कट कर लिया है एंड फिर मैं बनाऊंगी बीन्स, जो बहुत ही एक ट्रेडिशनल थैंक्सगिविंग डिश है, इतना बीन्स से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ना थोड़ा चिकन मैरिनेट करके रखा है, मिक्स चिली चिकन, लाइक नाम का चिली चिकन, क्योंकि मेरे दोस्त के बच्चे लोग ना दे लोग गोट नहीं खाते हैं, तो फॉर देम लाइक बच्चों के लिए। एंड ये तो आज बनाएंगे थैंक्सगिविंग स्पेशल। तो यहाँ पे कुछ यू नो थोड़ा बेकिंग का सामान है निकाल के फिर मुझे ओवन को प्रीहीट करना है। तो अभी मैं चाय बिठा रही हूँ एंड उसके बाद आज सब कुछ बेक ही करूँगी। हाँ, लाइक आई विल मेक बेक पास्ता। बेक पास्ता बनाना बहुत इजी है। फिर ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था। शौमिक आज स्पेशल मसाज कर रहे हैं सिद को, वो भी यूट्यूब देख देख के। हाउ डू आई एल एंड देन यू उली वो उली वो वो उली वो उली वो वो व्हाट इज दिस व्हाट विल हैपन दिस विल हेल्प देम टू डाइजेस्ट ओके
well, मेरा मसाज का नाम है अपना मर्जी का मसाज, जैसा हो सके वैसा करो। सोच रहे क्या हो रहा है आज, ये सिद का फर्स्ट थैंक्सगिविंग है एंड सिद ने पहन लिया है अपना ड्रेस। एंड उन्होंने ड्रेस बहुत ही अच्छा, लाइक द क्वालिटी सो नाइस। ये कितना, आई थिंक सो दिस वाज अराउंड $10 एंड आई लाइक द कैप, एंड कैप एक्चुअली बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हुआ ना। तो चलो विल टेक सम पिक्चर नाउ। एंड शौमिक ने इतना मसाज दिया ना तो इसको नींद आ गया, तो होपफुली आज ये सोएगा। शौमिक तुम्हारा मसाज ने अगर कुछ कमाल किया है तो चलो वी शो दी। दिस इज द फ्रंट टू फ्रंट टू फ्रंट टू फ्रंट। तो ये कुकीज इतने खूबसूरत है ना, मैंने ये देखा ही नहीं कल। ये हम लोग के जो रियल्टर है ना, उन्होंने दिया था कल, वो आए थे ये देने। तो अभी ओवन में ना मैं थोड़ा वो बेकिंग का ट्रे एंड ऑल रखती हूँ, तो मैं वो सब निकाल रही हूँ। एंड मैं अभी ओवन का टेम्परेचर मैंने सेट किया है 425 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पानी गर्म हो गया है, मैंने इसमें ना थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है, तो अभी मैं इसमें बीन्स ऐड कर दूंगी। तो बीन्स आपको ऐसा लंबा लंबा ही रखना है एंड बहुत ही कम एक्चुअली बीन्स है। तो यहाँ पे ना मैंने एक ही अनियन लिया है एंड लिटिल बिट ऑफ गार्लिक। तो अभी हम लोग इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। एंड फिर ये थोड़े एमंड्स है, आपको थोड़ा यू नो फाइनली चॉप कर लेना है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं फुल होल चिकन को ही बनाऊंगी, फिर मुझे लगा नहीं मैं चार टुकड़ों में लेट मी कट इट, क्योंकि आप कभी कभी देखेंगे ना कि होल चिकन का अंदर में इतना अच्छी तरीके से बेक नहीं होता है। तो नाउ आई विल ग्रीस इट विथ लिटिल बिट ऑफ बटर। मैंने देखा है थोड़ा थोड़ा बटर देने से ना एक्चुअली सॉफ्ट होता है। तो अभी दिस विल टेक अराउंड 40 मिनट्स। एंड वन वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन मैं बोलूँगी कि सी आई हैव हेल्प, यानी मैंने हेल्प लिया है बिकॉज हम लोग को चाहिए था। यू नो मुझे आई हैव हेल्प फॉर दैट आई एम एबल टू डू यू नो कल का मैं फंक्शन एंड ऑल कर पाऊँगी, नहीं तो अगर कोई भी नहीं होता ना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये अगर आपके रिलेटिव्स एंड ऑल हो तो वो अलग बात हो, यू नो एंड योर पेरेंट्स आर देयर वो भी अलग हो, लाइक यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ द बेबी, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आज तो सना नहीं आई है ना, तो जैसे शौमिक नीचे में ही है वो और क्या हेल्प करेंगे। तो बीन्स इज डन। अभी ताकि वो ज़्यादा फिर ओवर कुक ना हो, मैं तुरंत ना बीन्स को आइस वाटर में शिफ्ट कर रही हूँ। तो बीन्स को ना आपको ज़्यादा ऐसे ओवर कुक नहीं करना है, लाइक बॉयल तो होगा पर एक क्रंचीनेस रहेगा। तो बीन्स में ना अगर आप चाहें ना यू कैन ऐड रोजमेरी, मैं ऐड नहीं करूँगी फॉर वन सिंपल रीज़न कि घर में नहीं है एंड आज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड ओनली। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। एंड हाँ, कुछ एट द एंड यू नीड टू ऐड सम आई थिंक सो रेड वाइन विनेगर, तो वो भी मेरे घर में नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। एंड मैं ऑलिव ऑयल ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास जो ऑलिव ऑयल है ना उस पर लाइक ट्रॉफल, ये एक्चुअली बहुत टेस्टी है, जो लोग को पसंद है ये सी ये दिस ऑलिव ऑयल आई हैव, इट इज़ क्वाइट टेस्टी, लाइक आई लव द स्मेल ऑफ इट, पर राय को ये स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल वाइट ऑयल से ही बनाऊंगी। तो पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑफ ऑयल दिया है। फर्स्ट जो एमंड्स है ना उसको हम लोग दे देंगे, थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे, उसके बाद जो फाइनली चॉप गार्लिक्स एंड अनियंस है वो दे देंगे। तो अभी करछी को चलाते रहना है एंड देन ऐड द बीन्स। अगर आप चाहे तो विनीगर ऐड कर सकते हैं, पर मैंने विनीगर एंड ऑल ऐड नहीं किया। तो जस्ट आपको बीन्स को थोड़ा टॉस करना है एंड बस रेडी हो गया। दिस इज सच ए सिंपल रेसिपी, बट ट्रस्ट मी सब ने खा के बोला कि बहुत टेस्टी लगा ये खाने में। एंड मैं यह कर रही हूँ ना, जस्ट देखो कहाँ पे ये बैठा हुआ है। तो मुझे लगा कि चलो बेक पास्ता इज कॉम्प्लिकेटेड, लेट मी मेक बेक मैक एंड चीज, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ऊपर में ना आई एम एडिंग सम क्रस्ट रेड पेपर एंड ब्लैक पेपर एंड फिर ऊपर में स्प्रेड कर देंगे बहुत सारा चीज। दिस इज इटालियन चीज, बहुत ही टेस्टी होता है। तो ओवन तो प्री हीट है एंड दिस विल टेक अनदर 10 मिनट्स एंड हो जाएगा। एंड आई थिंक सो चिकन इज डन। तो चिकन जब हो गया था ना, मैंने अभी चिकन को ना एक दूसरा ट्रे में शिफ्ट कर लिया है।
एंड यहाँ पे चिली चिकन इज ऑल्सो रेडी. ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बिकॉज मोस्ट बच्चों को ना लाइक गोट पसंद नहीं होता है. एंड मैक एंड चीज भी रेडी हो चुका है. तो यहाँ पे चिली चिकन इज डन. चिली चिकन मतलब क्या, मैंने एक भी चिली नहीं दिया है. सभी बच्चों को चिली चिकन बहुत पसंद है, पर हाँ चिली चिकन जिसमें चिली ना हो, तो मैंने उसी तरह का चिली चिकन बनाया है. सो फाइनली आवर थैंक्स गिविंग लंच इज रेडी. चलिए लेट्स सेट द टेबल. फर्स्ट है चिकन, से देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है. देन बेक्ड मैक एंड चीज. लोगों का थैंक्स गिविंग लंच इज रेडी. एंड मैं बोलूंगी फर्स्ट टाइम मैंने थैंक्स गिविंग में कुछ एक ट्रेडिशनल डिश बनाया है, दैट इज बीन्स. एक्चुअली मेरे पास सभी था, लाइक मेरे पास ब्रसल्स स्प्राउट भी था. दिस ऑल थिंग्स ना रियली इजी टू मेक. तो सब लोग आ जाओ सिद्ध बाबा का फर्स्ट थैंक्स गिविंग. ओह यहाँ पे सब लोग वो लोग काम भी कर रहे हैं. चलो अच्छा है, दोनों मिलके काम करो. नहीं क्योंकि पूजा यहाँ पे होगा ना, पता नहीं कहाँ पे होगा, बट हाँ वो फायर प्लेस के वहाँ पे ही होगा. थैंक्स गिविंग तो वाह 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 की जो खावर हुए थे. सो सिद्ध का फर्स्ट थैंक्स गिविंग. इस साल तो सिद्ध काफी छोटा है, पर हाँ नेक्स्ट ईयर सिद्ध थोड़ा बहुत चिकन तो फॉर श्योर खा ही पाएगा. एंड मैं सबसे पूछती हूँ केरला का वजह जाना है. Excellent. How is it? क्योंकि मामा में सच बोलती है. क्या मामा? Really good. Really good. तो अच्छा लगा. चलो सबको अच्छा लगा भी. सब लोग एक साथ बोल दो. What is बोलो? Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. I am so thankful that I have a lovely family and I am so thankful. That सुबह भी मैंने बोला that you all are part of my virtual family. So happy Thanksgiving. And Shindu Baba भी बोला. Shindu Baba बोलो. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving everyone. Happy Thanksgiving. तो चलिए अभी मैं भी खाती हूँ. क्योंकि अभी सिद्ध बहुत अच्छी तरीके से चेयर में यू नो बैठा रहता ही एंजॉय से. तो अभी हम लोग फिर से we all can enjoy lunch together. And बहुत दिनों के बाद हम लोग ये पार्क में आए हैं. एक्चुअली खाने के बाद ना फिर मैं शॉमी को बोल रही थी चलो सिद्ध को भी लेके जाते क्योंकि आज ना वेदर बहुत अच्छा है. फिर क्या हुआ, शॉमिक भी नीचे जाके सो गए एंड सिद्ध को मैंने थोड़ा मिल्क पिलाया, वो भी सो गया. तो मैंने बोला राय को चलो हम दोनों ही चलते हैं हम लोगों के रेक्सू बाबा के साथ. पर एक्चुअली कल द बैड न्यूज़ इज़ कल इट सीम्स बहुत बारिश होने वाला है. अभी और क्या कर सकते हैं, पर आज का जैसा मौसम रहता ना तो अच्छा लगता है. यू नो वजह से बोलती हूँ धूप निकले तो बात ही कुछ और होता है. या हम लोगों के विलेज में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ में आके. पहले मुझे पता है मैं ये पार्क में, जो लोग मेरे रेगुलर के व्यूअर्स हैं मोस्ट ऑफ यू नो आई टू कम सो मेनी टाइम्स, एटलीस्ट दो बार तो मैं आती ही थी. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekend. तो अभी टाइम हुआ है 4 o'clock. एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके. एंड रैक्स और राइड जो मस्ती किया वो पार. तो अभी टाइम हुआ है 5 o'clock होने वाला है. एंड कल के लिए एक्चुअली थोड़ा डर भी लग रहा है, स्पेशली ज़्यादा मुझे डर क्यों ना पूजा के लिए लग रहा है कि सब कुछ आई होप सो सब कुछ ठीक तरीके से कर पाएंगे. सो यहाँ पे राइज हैविंग ए चिल टाइम एंड हम लोग रैक्सू को देखिए. ओ माय रैक्सू. एंड हाँ क्या बोलूँ, ब्लैक फ्राइडे पे ना वी गॉट दिस वेटेड ब्लैंकेट एंड राय बोले राय हाउ इज इट रियली नाइस. राय बोल रही इतना अच्छा है ना, इट सीम्स कल उसका सबसे अच्छा नींद हुआ है. रियली वाओ राय, लाइक फुल फन टाइम. देन विद सम पॉपकॉर्न चलो एंजॉय करो. एंड मैं सुन रही हूँ सिद्ध बहुत रो रहा है. शॉमिक इज लाइक अरे रो रहा है मैं संभाल लूंगी यू नो ही लूंगा. ही इज लाइक तुम जाके तुम्हारा जो जो काम है वो तुम करो, टेंशन मत लो. बेट मैं लाइट चला देती हूँ.
तो मैंने ये लाइट जला दी, ऐसा एक यू नो फेस्टिव माहौल टाइप लगता है। तो चलिए, मुझे अभी बहुत सारा काम है। फर्स्ट मैं किचन क्लीन करती हूँ, देन जल्दी जल्दी मैं अपना काम करती हूँ। एंड धीरे धीरे मुझे कल का फंक्शन के लिए टेंशन हो रहा है। यू नो आई वॉन्ट एवरी थिंग टू बी परफेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है अकेले अकेले, ट्रस्ट मी। जैसे मैं बोल रही थी, इट्स नॉट दैट ईजी। तो कल ना मैं बंगाली पुलाव, जिसको बासंती पुलाव बोलते हैं, वो बनाऊंगी। एंड बासंती पुलाव बनाने के लिए ना राइस को ना एक्चुअली आपको मैरिनेट करके रखना पड़ता है विद घी, गरम मसाला, फिर थोड़ा शक्कर, थोड़ा यू नो टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट। तो वो मैं आज कर रही हूँ ताकि सुबह उठ के तुरंत आई कैन मेक द पुलाव। तो अभी धीरे धीरे यू नो खीर होता रहेगा। एंड एक्चुअली सीध ना बहुत ही क्रैंकी हो रहा है शाम से, कभी कभी ऐसा बच्चों को गैस हो जाता है ना, तो जल्दी ख़त्म करके मुझे जाना है। एंड बेचारा चौमिक ही लाइक चौमिक ने ना आया भी नहीं, उनको टाइम ही कहाँ पे मिला। तो नाउ द टाइम इज 6:15 एंड फिंगर क्रॉस, होपफुली कल जैसा प्लान किया है वैसा ही सब कुछ हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, विद दिस आई विल एंड माई थैंक्स गिविंग व्लॉग। एंड हाँ, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर। ये ब्लू, या इट्स ब्लू। रेक्स डोंट कम। हाँ, एंड मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो सीध का अन्नपाशन का होगा। तो आई होप सो सब कुछ ठीक हो जाए। एंड विद दिस आई विल एंड दिस व्लॉग। पसंद आया है तो एक लाइक, एंड हाँ बाय बाय।